के तेल की बात करें, वहां पर भी महंगाई को लेकर सरकार काफी फोकस्ड हो गई है और सरकार लगातार नए फैसले ले रही है। खाने के तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार के साथ खाद्य तेल इंडस्ट्री के एसोसिएशन के जितने भी प्रतिनिधि थे उनके साथ कल एक अहम बैठक हुई। बैठक में सी और IVPA के प्रतिनिधि वहां पर शामिल हुए और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीबी मेहता भी आगे होंगे, लेकिन उस बैठक में क्या कुछ था बताने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता समीर दीक्षित है। समीर, बताइए क्या था बैठक का मुद्दा? देश में खाद्य तेल की कीमतों पर काबू रखने के मकसद से सरकार ने एक अहम बैठक करी। खाद्य सचिव ने एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल से जुड़े हुए तमाम संगठन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक करी। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक में खाद्य सचिव और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ में SEAI IVPA इनके प्रतिनिधि भी मौजूद थे और सरकार की तरफ से साफ संदेश यह है कि जिस तरीके से मुनाफाखोरी या जमाखोरी की खबरें आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस पे संगठन सरकार का साथ दे ताकि इस तरीके की जो एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं, इस तरीके की जमाखोरी या मुनाफाखोरी की जो गतिविधि है, इस पर रोक लगाई जाए और इसके चलते जो खाद्य तेल की कीमतें हैं उस पर काबू रखा जा सके। तो इस पर संगठनों से साथ में आने की बात यहां पर इस अहम बैठक में की गई। इसके अलावा जो बाजार में MRP में अगर किसी तरीके का बदलाव आया है एडिबल ऑयल की MRP पर, तो बदले हुए MRP पर ही तेल ग्राहकों को बेचे, इसका भी साफ संदेश यहां पर इन तमाम प्रतिनिधियों को दिया गया है ताकि वो आगे जाकर के रिटेलर्स को ये संदेश बाईपास कर पाए और लोगों को यानी कि ग्राहकों को इसका फायदा पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जो 8 बड़े राज्यों में केंद्र सरकार की तरफ से जो भेजी गई टीम है और वो जो एक्शन ले रही है, इन 8 राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं, यहां पर एडिबल ऑयल के लिए जो सरकार मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एक्शन ले रही है, लगातार छापेमारी कर रही है, सरप्राइज इंस्पेक्शन कर रही है, तो जो फीडबैक ग्राउंड से सरकार को आ रहा है वो भी इन संगठनों के साथ में साझा किया गया और उनके साथ चर्चा की गई है और साफ तौर पर यही कहा गया है कि अभी एडिबल ऑयल की कीमतें जो हैं उसको स्थिर रखने में सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लेकिन रूट लेवल से एसोसिएशन और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों को भी इसमें साथ देना होगा ताकि ग्राहकों को इसका अंतिम फायदा पहुंचा जा सके। सूत्र ये बता रहे हैं कि इसके आगे चल करके सरकार यानी कि केंद्र जो है वो राज्यों के साथ भी समीक्षा बैठक करेगी और कोशिश यही होगी कि ऐसे दौर में जब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है एडिबल ऑयल की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। शुक्रिया समीर पूरी डिटेल्स के लिए। हमारे साथ